सभी विरोधी को अपनी बेगुनाही साबित करने का अधिकार है। हालांकि ट्रंप को मामले के बारे में बोलने से रोकने के लिए जज गैग ऑर्डर भी जारी कर सकते हैं। आखिरकार क्या है मामला, देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर साल 2016 में पॉर्न स्टार डेनियल स्ट्रॉम को अवैध संबंध से जुड़े मामले पर चुप्पी साधने के लिए अपने वकील के हाथ पैसे देने का आरोप है। न्यूयॉर्क ग्रैंड जूरी ने मामले पर सुनवाई करते हुए ट्रंप के ऊपर आपराधिक केस चलाने को लेकर मंजूरी दे दी है। सभी विरोधी को अपनी बेगुनाही साबित करने का अधिकार है। हालांकि ट्रंप को मामले के बारे में बोलने से रोकने के लिए जज गैंग ऑर्डर भी जारी कर सकते हैं। उसके आधार पर ही कोर्ट रिहा कर सकता है। वहीं अगर ट्रंप पर आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो उन्हें 4 साल की सजा हो सकती है। अगर ट्रंप सरेंडर नहीं करते तो उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। जानकारी के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप अगले हफ्ते 4 अप्रैल को कोर्ट में सरेंडर कर सकते हैं। इसके लिए वो कोर्ट के अधिकारियों के सामने खुद की पेशी के लिए मौजूद रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।